लालू ने इस बार यादव वोट में विभाजन ना हो, क्योंकि पटना का सीट है और पटना के यादव टूटते रहे हैं, शुरू से टूटते रहे हैं। जिस तरीके से सीमांचल के यादव जो है वो ध्रुवीकरण में पोलराइज होकर वोट करते हैं हिंदुत्व के एजेंडा पर, उसी तरीके से पटना के यादव जो है वो लालू यादव से थोड़े खफा जरूर रहते हैं, और इसी का ये कारण है पटना का जो यादव होता है वो लालू की खिलाफत में रहा है। और इसी का ही परिणाम है कि लालू यादव को इस बार उन सभी यादव नेताओं को याद करना पड़ रहा है जो पाटलिपुत्र लोकसभा के तहत पड़ते हैं। वीरेंद्र यादव, रीतलाल यादव, ऐसे कई नाम है पाटलिपुत्र में जो अगर एक साथ आए और भीतरघा नहीं हो तो वो सीट इस बार मीसा भारती निकाल सकता है। वीरेंद्र जो है वो भी बगावत कर सकते हैं क्योंकि उनको खुद लड़ने का मन था पाटलिपुत्र, लेकिन लालू उनको भी अपने पाले में कर चुके हैं, समझाया बुझाया जा चुका है। रीतलाल यादव के नाम को लेकर भी चर्चा था कि रीतलाल यादव जो है वो भी पाटलिपुत्र लड़ना चाहते हैं, लेकिन अंतिम समय पर रीतलाल यादव ने कहा कि जो उनकी बड़ी बहन मीसा भारती को पसंद होगा वैसा वो करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में, मेरा नाम उदित तारण है। पाटलिपुत्र लोकसभा, लालू प्रसाद यादव कभी वो लोकसभा जीत नहीं पाए, 2009 में खुद लड़कर हारे, 2014 और 19 में उनकी बेटी हारी, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव ने ये मन बना लिया है और इसके लिए बड़ी सधी हुई रणनीति पर लालू काम भी कर रहे हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा 2009 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया, पहली बार वहां से लालू यादव चुनाव लड़े लेकिन रंजन यादव उन्हें हरा देते हैं। 2014 और 2019 में रामकृपाल यादव जो है वो मीसा भारती को हराते हैं, लेकिन 2024 किसी तरीके से लालू को जीतना है, और खासकर जो दो सीटें हैं बिहार की, सारण और पाटलिपुत्र, जहां से लालू की बेटियां लड़ रही हैं, इन सीटों पर लालू का खासा फोकस है। तो कैसे लालू इन सीटों पर फतह पाएंगे, इस पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार कौन सी रणनीति है जिस पर लालू काम कर रहे हैं। रंजन यादव फैक्टर बड़ा फैक्टर है, वीरेंद्र यादव, रीतलाल यादव, ऐसे कई नाम है पाटलिपुत्र में जो अगर एक साथ आए और भीतरघा नहीं हो तो वो सीट इस बार मीसा भारती निकाल सकती है। रंजन यादव के बारे में आपको बताएं कि किसी दौर में लालू प्रसाद के खास मित्रों की श्रेणी में रंजन यादव शामिल थे, ज़्यादातर फैसलों में रंजन यादव उनका साथ देते थे, मतलब 90 के दौर की हम बात कर रहे हैं जब रंजन यादव और लालू यादव बेहद करीबी मित्र माने जाते थे। दो बार लालू यादव ने रंजन यादव को राज्यसभा भी भेजा, तो सोचिए आप कितने करीबी होंगे रंजन यादव कि लालू प्रसाद यादव उन्हें दो बार संसद का सदस्य बनाते हैं, वो भी राज्यसभा, मतलब बिना चुनाव लड़े हुए। लेकिन बाद के दिनों में लालू से खटपट होने के बाद जदयू के टिकट पर साल 2009 में रंजन यादव जो है वो चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। अब जरा सा हम पाटलिपुत्र के जाति समीकरण को समझते हैं, फिर आगे हम रंजन यादव और रीतलाल यादव और वीरेंद्र यादव पर बात करेंगे। जाति समीकरण की हम बात करें तो पाटलिपुत्र लोकसभा में कुल 16.5 लाख वोटर हैं, 4 लाख यादव, 3 लाख भूमिहार, 1 लाख ब्राह्मण, 2.25 लाख कुर्मी, 2.25 लाख मुस्लिम और 1.5 लाख दलित मतदाता है। इस जातीय समीकरण को देखें तो यादव मतों में विभाजन ना हो तो जिस किसी को भी मिल जाएगी ये वोट वो थोड़े आसानी से जीत सकते हैं। मतलब 4 लाख यादव वोट और करीब 2.25 लाख मुस्लिम वोट इतना बड़ा होता है कि अगर एक तरफा गिरे तो वो कभी भी राजद को हारने नहीं देगा। लेकिन कहा जाता है ना कि पटना का जो यादव होता है वो लालू की खिलाफत में रहा है, और इसी का ही परिणाम है कि लालू यादव को इस बार उन सभी यादव नेताओं को याद करना पड़ रहा है जो पाटलिपुत्र लोकसभा के तहत पड़ते हैं। अब रंजन यादव की जहां तक बात है, जैसा मैंने बताया लालू के बेहद करीबी मित्र रहे, दो बार लालू ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया, लेकिन बाद के दिनों में रिश्ते खराब हो गए। लेकिन अब जो है रंजन यादव एक बार फिर से RJD में वापस आ चुके हैं, लालू यादव के करीब हो चुके हैं, और कहा जा रहा है कि इस बार रंजन यादव जो है वो मीसा भारती को जिताने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। देखिए पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की बात करें तो ये वही रंजन यादव हैं जिन्होंने साल 2009 में लालू यादव को परास्त किया था। उस समय लालू यादव को 2,45,000 वोट आए थे और 2,70,000 वोट जदयू प्रत्याशी रंजन यादव को आया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाहे रंजन यादव हो, इसके अलावा खबर ये भी था कि भाई वीरेंद्र जो है वो भी बगावत कर सकते हैं क्योंकि उनको खुद लड़ने का मन था पाटलिपुत्र, लेकिन लालू उनको भी अपने पाले में कर चुके हैं, समझाया बुझाया जा चुका है। और रीतलाल यादव के नाम को लेकर भी चर्चा था कि रीतलाल यादव जो है वो भी पाटलिपुत्र लड़ना चाहते हैं, लेकिन अंतिम समय पर रीतलाल यादव ने कहा कि जो उनकी बड़ी बहन मीसा भारती को पसंद होगा वैसा वो करेंगे। वो हमेशा छोटे भाई की भूमिका में रहे हैं, इस बात को बार बार रीतलाल यादव कहते रहे हैं। तो लालू ने इस बार यादव वोट में विभाजन ना हो, चूँकि पटना का सीट है और पटना के यादव टूटते रहे हैं, शुरू से टूटते रहे हैं। जिस तरीके से सीमांचल के यादव जो है वो ध्रुवीकरण में पोलराइज होकर वोट करते हैं हिंदुत्व के एजेंडा पर, उसी तरीके से पटना के यादव जो हैं वो लालू यादव से थोड़े खफा जरूर रहते हैं, और इसी का ये कारण है कि लालू प्रसाद यादव को इस बार रीतलाल यादव, वीरेंद्र यादव, भाई वीरेंद्र जो कि मनेर से विधायक हैं, कई टर्म के MLA रहे हैं,
और रंजन यादव को अपने पाले में करना पड़ रहा है ताकि यादव वोट ना टूटे। इसके अलावा ये तय है कि सवर्ण वोट, कुर्मी वोट जाएगा ही जाएगा बीजेपी की तरफ। भूमिहार का बड़ा संख्या है, 3.5 लाख के आसपास भूमिहार वोटर हैं। इसके अलावा 1 लाख के आसपास वहाँ पर ब्राह्मण वोटर हैं। तो इन सभी वोटों की गुलबंदी होती है। तो राजद की तरफ अगर यादव और मुस्लिम वोट एक तरफा नहीं पड़ता है तो फिर इसी जैसे पिछले बार 2019 में 40,000 वोटों से रामकृपाल यादव जो हैं वो जीत गए थे। तो इस बार वो वोट ना टूटे जो यादवों का वोट होता है मनेर के इलाके में, बीटे के बीटा के इलाका में, वो एक तरफा गिरे राजद को। इसके लिए लालू यादव जो है बड़े सदी हुई रणनीति पर काम कर रहे हैं। देखिए 4 जून को परिणाम जब आएगा तब पता चलेगा कि लालू की रणनीति कितनी सफल हुई या असफल हुई। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।